हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आज की वीडियो में बात करते हैं आँखों से जो कीचड़ आती है, जो गंदगी आती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। बहुत लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी आँख में एक गंदगी टाइप क्यों आ जाती है। ये गंदगी टाइप आना और बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, जब उनकी वो सुबह उठते हैं तो उनकी आँख ना बिल्कुल चुपकी हुई मिलती है, तो उनको उसको खोलने के लिए भी पहले साफ़ करना पड़ता है, थोड़ा सा धोना पड़ता है, उसके बाद उनकी आँख खुलती है। तो वो थोड़ा परेशानी वाली कंडीशन हो जाती है। पेशेंट को सच में इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी आँख सुबह सुबह उठते ही पूरी चिपक जाती है और उसमें गंदगी आ जाती है, फिर वो उनको साफ़ करनी पड़ती है, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेनली वो क्यों आती है, ये जो आपकी आँख में बहुत ज़्यादा चिपकनापन हो जाता है, आपकी आँख चिपकने लगती है, वो जो कारण है वो होता है कंजंक्टिवाइटिस में, जिसमें आपकी आँख लाल भी होगी, आपकी आँख में जलन भी होगी और आपकी आँख सुबह एकदम गंदे तरीके से चिपक जाएगी, जिसको हम बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी आँख के अंदर पस लाइक फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपकी आँख, वो जो पस होता है वो पूरी आँख पे आ जाता है और आपकी आँख पे लगा हुआ वो सूख जाता है, जिसके कारण आपकी आँख चिपकने लग जाती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ होती है, जैसे सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमारे थोड़ा बहुत अगर साइड्स में आ जाता है या दूसरी साइड आ जाता है, या दिन में किसी किसी पेशेंट्स को एक दो बार भी आता है, तो वो कंडीशन में क्या होता है, उसमें हमको क्या करना चाहिए। बेसिकली ये जो कंडीशन है वो एक बड़ी नॉर्मल कंडीशन है, अगर आपके थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि जब आप दिन में बाहर जाते हैं तो हो सकता है आपकी आँखों में धूल मिट्टी जाती हो, तो हमारी आँख भी ऑटोमेटिकली क्लीन खुद को करती है। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में से जो हमारी स्वेटिंग होती है वो बॉडी के अंदर का जो वेस्ट या फिर जो भी हार्मफुल चीज़ होती है उनको बाहर करती है। इसी तरह से आँख में जब भी गंदगी चली जाती है, मिट्टी जाती है, तो हमारी आँख टीयर्स के थ्रू, टीयर्स निकल निकल के वो उस हमारी आँख को क्लीन करते हैं, साथ ही जो वो डस्ट वगैरह हमारी आँख में जाती है वो उसके थ्रू हमारी आँख के साइड में आ जाती है। तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है या अगर आपको उस चीज़ से दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी आँख साफ़ हो जाएगी और वो गंदगी आने में आपको रिलीफ मिलेगी। अगर आपकी आँख बहुत ज़्यादा चिपक रही है, कंजंक्टिवाइटिस टाइप आपको हो रखा है, आँख पूरी गंदी तरीके से चिपक जाती है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाएँ। वो आपका इन्फेक्शन है, एलर्जिक इन्फेक्शन है, जिसके लिए डॉक्टर प्रॉपर आपको दवाई चलाएगा, उसी से आपको रिलीफ मिलेगा। नॉर्मल होम रेमेडीज से आपको उतना रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपकी आँख ज़्यादा लाल हो रखी है, तो जैसा मैंने एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लिए आपको बता रखा है कि आपको बर्फ़ लेनी है, बर्फ़ को कपड़े में रख के अपनी आँखों का सेक करना है, वो चीज़ आप अपनी आँखों के लिए कर सकते हो, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी जब आपको टाइम मिले आप डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं, जिन दवाइयों से आपको ज़्यादा रिलीफ मिले। अगर आप डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे या कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको मेरे से ट्रीटमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके। कोई भी आपको जल्दी से कॉन्टैक्ट, आप व्हाट्सएप पर जैसे मैसेज करेंगे, हमारा जो स्टाफ है वो आपको जल्दी से जल्दी इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।